इसके पहले हमने, इससे पहले वाले वीडियो, मैंने फर्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास का जो साइंस का था, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था, उसमें जो हमने अघात वर्ध और तन्य तक ही डिस्कशन किया था। अघात वर्ध और तन्य के बारे में देख लेते हैं, इनमें क्या अंतर है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है। याद रखिए, अघात वर्ध वो होते हैं जो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, और तन्य धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, वो तन्य होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन आपस में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन, प्लस और माइनस जो होता है, आपस में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल द्वारा, ठीक है, आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अतः बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। खनिज के बारे में हम देख लेते हैं। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है, खनिज कहलाती है, ठीक है। खनिज किसे कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। अयस्क किसे कहते हैं, जिनमें धातुओं का निष्कर्षण आसान एवं सस्ता हो, ऐसे खनिज अयस्क कहलाते हैं। गैंग क्या है, अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है सोना है और प्लेटिनम है। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यानी कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। यह तत्व क्या मतलब कि यह जो तत्व क्या हो सकता है, तो कैल्शियम। तो आपको यह बताना था कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जो होता है जल में विलेय है, तो आपको उस तत्व का नाम बताना था, तो कैल्शियम ये जो है इसका उत्तर होगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसलिए जो होता है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति जो होती है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होगी, वो ऑक्साइड उभयधर्मी जो ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय और क्षारीय दोनों होगी, वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब जैसे मैं देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है, याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है। यदि लिटमस पत्र में साबुन की जांच करें तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। तो लिटमस पत्र को साबुन की जांच करने पे क्या होता है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। साबुन का जो विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। दीर्घ रूप में आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में,
ऊपर से नीचे आने पे तत्वों का जो धात्विक लक्षण है वो बढ़ता है, ठीक है। कहाँ से? ऊपर से नीचे आने पे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो उनकी ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। इसके बाद जो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों के जो होते हैं ऋण विद्युत लक्षण में बढ़ोतरी होती है। किधर से? हम दाएं से मतलब बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। वही बाएं से दाएं जाने पे किसी आवर्त में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों के ऋण विद्युत लक्षण में बढ़ोतरी होती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो अब आवर्त सारणी किसी भी वर्ग में बढ़ेंगे तो उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कम होती है। इसके बाद स्वयं पोषीय पोषण और विषम जो है आपका विषम पोषीय पोषण, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो स्वयं पोषीय पोषण होते हैं यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। तो स्वयं पोषी पोषण में जो आपको मिलेंगे वो हरे पौधे मिलेंगे। इसका पोषण इसी में स्वयं पोषी पोषण में ही इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होते हैं वह क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये था स्वयं पोषी पोषण। इसके बाद हम विषम पोषी पोषण को देख लेते हैं, या तो अब साथ साथ में अंतर करते चलिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं। स्वयं पोषी पोषण जो होते हैं यह पोषण हरे पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन विषम पोषी पोषण ये कीटों एवं जंतुओं में पाया जाता है। स्वयं पोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन विषम पोषी पोषण में जंतु अपने भोजन हेतु पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। इसके बाद स्वयं पोषी पोषण में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित तथा सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, लेकिन विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है। पौधे का भोजन के स्वयं पोषी पोषण में ही पौधे को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी तरह विषम पोषी पोषण में जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये था स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में आप अंतर को देखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है कह रहे कि पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो पायरुवेट जो होते हैं इनके विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा उत्पन्न होता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो ये एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम। ये कहाँ मिलता है? हमारे लार में पाया जाता है। यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हम अंतर को देख लेते हैं। तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन जो होता है इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में इस क्रिया में जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन जो होती है क्रिया, इसकी जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो होती है इनकी क्रिया जो होगी केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है।
नेक्स्ट जो अंतर है वो वायवीय श्वसन में इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु बनते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन में केवल दो अणु ही बनते हैं। ठीक है, एटीपी के केवल दो अणु ही इस क्रिया में बनते हैं। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 और जल होते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन में इसके अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और नेक्स्ट अंतर जो है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, और जो अवायवीय श्वसन में यह क्रिया क्या है, निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्यतः तो प्रोटीन एंजाइम होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का दर लाल रंग से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, वो मनुष्य में दो वृक्क होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है मस्तिष्क के पश्च, ठीक है, मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क सॉरी जो माइंड हमारे है, मस्तिष्क है जो, उसके पश्च मस्तिष्क जो होती है, पीछे का जो होती है, इनका अनुमस्तिष्क, ठीक है, जिसे सेरेबलम कहते हैं, शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा किस मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो सेरेबलम, ठीक है। तो ये होता है मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क होते हैं, जिस इनका अनुमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेबलम कहते हैं, ये जो होता है संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सिन पादप जो होते हैं हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन पादप, ये पादप हार्मोन है और ये पौधे में वृद्धि करता है। पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये पादप हार्मोन के कुछ नाम है जो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका जो मध्य खाली स्थान होता है वो सिनेप्टिक दरार होता है। इसके बाद हम प्रतिवर्ती क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं में भिन्नता को देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है और अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं में सोचने की आवश्यकता होती है। उसी तरह प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो होता है, इनके क्रियाओं को पूरा होने में 1 सेकेंड से भी कम समय चाहिए, लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं को पूरा होने में अपेक्षाकृत क्या होता है, किसके अपेक्षाकृत, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक समय चाहिए, ठीक है। ये था प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं में भिन्नता, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना इसमें देख लेते हैं, वो क्या है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना। तो तंत्रिका क्रियाविधि कार्यविधि और हार्मोन कार्यविधि की तुलना देख लेते हैं। तंत्रिका कार्यविधि में शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है। ये जाल जो होते हैं शरीर की प्रत्येक कोशिका को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, मतलब इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या कहते हैं, मिलाता है। हार्मोन कार्यविधि जो होती है, हार्मोनिक कार्यविधि में तंत्रिका कार्यविधि की तरह कोई जाल नहीं बनता है, ठीक है। तंत्रिका कार्यविधि में क्या होता है, इसमें एक जाल बनता है, ठीक है। और जो ये जाल होते हैं शरीर की प्रत्येक कोशिका को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलाता है। तंत्रिका कार्यविधि का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि तंत्रिकाओं एवं अंगों का आपसी संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है, लेकिन इसमें जो होता है किसमें, हार्मोन कार्यविधि में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फिर तंत्रिका कार्यविधि का जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कह रहा है कि
इसमें सभी प्रकार की क्रिया जो होती है तंत्रिकाओं एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होती है, लेकिन हार्मोनिक क्रिया विधि में ये क्रियाएं हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। ये था तंत्रिका कार्यविधि और हार्मोन कार्यविधि में कुछ अंतर, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है कि एड्रिनलिन नामक हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है, तो इसे आपातकाल का हार्मोन भी कहते हैं। किसे? एड्रिनलिन को। याद रखिएगा, एड्रिनलिन जो हार्मोन होती है ये आपातकाल के लिए शरीर को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। जिबेरेलिन, अब बताइए कौन किसका कैसा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। इसकी खोज कुरासोवा ने किया था, तो आपको ये याद होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। जिबरेलिन जो होते पादप हार्मोन है, इसे कुरासोवा ने क्या किया था, खोज किया था। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पौधे में कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन हार्मोन नियंत्रित करता है, तो पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो है डीएनए की जो प्रकृति में, इसके बारे में हम डीएनए के बारे में देख लेते हैं। डीएनए प्रकृति में प्रजनन का क्या महत्व है, तो देख लेते हैं। डीएनए कोशिका के केंद्रक में जो होते हैं गुण सूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए कोशिका केंद्रक में क्या होता है, गुण सूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, अनुवांशिकी पदार्थ है, जो कि इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनके गुणों का स्थानांतरण होता रहता है। तो डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है जो व्यक्ति के एक गुण से दूसरे, मतलब जो पितृ गुण होती है या मतलब जो माता पिता का जो वो गुण होता है इनके बच्चों में, इसीलिए स्थानांतरण होता है डीएनए के ही माध्यम से, क्योंकि इनका स्थानांतरण होते रहता है इनके गुणों का। जीव में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती है तो वह मर सकता है, वह जीव क्या हो सकता है, मर सकता है। लेकिन अगर किसी स्पीशीज में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो वह जीव क्या होता है, जीवित रहने के कुछ आसार होते हैं। इसीलिए जीवन में जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए नहीं। द्विखंडन और बहुखंडन विधि में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट। तो द्विखंडन विधि क्या है, इस विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। तो बहुखंडन विधि क्या है, इस विधि में एक जनक का नाभिकीय विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में क्या होता है, विभाजित हो जाए, बढ़ जाता है। द्विखंडन विधि जो होता है केंद्रक विभाजक के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है, ठीक है। लेकिन बहुखंडन विधि में क्या होता है, केंद्रीय जो इसे केंद्रक विभाजन होता है इसके बाद प्रत्येक पुत्री की केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव एकत्र हो जाता है, ठीक है। तो इनके जो केंद्रक विभाजन के बाद क्या होते हैं, पुत्री केंद्रक के चारों ओर एक मतलब थोड़ा जो होता है कोशिका द्रव होता है वो एकत्र हो जाता है। इसी प्रकार द्विखंडन विधि में तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा कि पितृ कोशिका विभाजन के बाद वो पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। बहुखंडन विधि में पुत्री कोशिका एक पितृ कोशिका की कोशिका कला में होती है, ठीक है। तो ये द्विखंडन और बहुखंडन विधि में कुछ अंतर है, या कुछ कह सकते हैं आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस चीज को रिवाइज करते रहिएगा। कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग होता है, क्यों, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के बारे में देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं, ठीक है। कायिक जनन द्वारा उपयोग किए गए पौधों में पुष्प तथा फल जल्दी लगते हैं। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है इन्हें इस विधि से, किस विधि से, कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में तीन आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। परागण क्रिया और निषेचन क्रिया में भिन्नता क्या है देख लेते हैं।
प्रागण क्रिया और निषेचन क्रिया, प्रागण क्रिया का पहला जो पॉइंट है कह रहा है कि प्रागण पराग कणों का पराग कोष से वर्ती जो वर्तिकाग्र होता है इनका स्थानांतरण क्या होता है, प्रागण कहलाता है। तो प्रागण कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्राग कणों का प्राग कोष से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण प्रागण कहलाता है। लेकिन निषेचन क्रिया में क्या होगा, प्रागण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाता है। प्राग क्रिया में कुछ परिस्थितियों में प्राग कणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है, लेकिन निषेचन क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। प्राग कणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है, लेकिन निषेचन क्रिया में प्राग कणों की बर्बादी नहीं होती है। तो ये था प्राग आपको निषेचन क्रिया और प्रागण क्रिया। इसके बाद हम देख लेते हैं लैंगिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है, लैंगिक जनन मुकुलन इष्ट द्वारा होता है। तो याद लेके, सॉरी, अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन इष्ट द्वारा होता है। तो अब याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ देख लेते हैं। अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, परंतु लैंगिक जनन से जो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो लैंगिक जनन से विभिन्नताएं क्या होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन लैंगिक जनन से कोई विभिन्नताएं नहीं होती है। लैंगिक जनन से उद्विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन से उद्विकास क्या होता है, नहीं होता है। तो ये इनके लाभ है। इसके बाद एकक कोशिका जनन पद्धति और बहु कोशिका जनन पद्धति में कुछ फैक्ट देख लेते हैं और इनके कुछ अंतर देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो जो एक कोशिकीय जीव होंगे वो उनका प्रजनन क्या होगा, अलैंगिक। लेकिन बहुकोशिकीय जनन पद्धति में क्या होगा, बहुकोशिकीय जीवधारी में अलैंगिक तथा लैंगिक ये दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक कोशिका जीव में प्रजनन अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जनन पद्धति में ये जो होते हैं बहुकोशिकीय जीवधारी में प्रजनन अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये एक कोशिका जनन पद्धति और बहुकोशिका जनन पद्धति में कुछ अंतर थे, कुछ इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था, तो याद रखिएगा इसको। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन में अपना योगदान दिया था। तो ग्रेगर जॉन मंडल थे और मेंडल थे, इन्होंने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने जैव विकासवाद का प्रतिपादन किया था। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन किस रूप में याद किया था, तो जैव विकासवाद के प्रतिपादन किया था इन्होंने, इस रूप में इनको याद किया जाता है। कुछ कारक जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं, देख लेते हैं उनके साथ जो पॉइंट है। नई स्पीशीज के उद्भव हेतु वर्तमान स्पीशीज के सदस्यों को परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित रहना आवश्यक है, ठीक है। नई स्पीशीज के उद्भव हेतु जो वर्तमान स्पीशीज के सदस्य हैं, परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित रहना इनका आवश्यक है, क्योंकि इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए अगली पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जो लैंगिक जनन में अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता है। परंतु नर और मादा जीव वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे, तब पैदा होने वाला जीव जो होगा, यथार्थ मतलब कि जो पीढ़ी के सदस्य होंगे वो जीवित नहीं रह सकेंगे। तो ये जो था, कुछ कारक जो थे जो नई स्पीशीज उद्भव में सहायक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नई स्पीशीज उद्भव के लिए कौन से प्रभाव जो होती है पर्यावरण होती है, और कुछ कारक जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मिलर, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मिलर और यूरे, इन्होंने 1935 में अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। उन्होंने अमोनिया, मीथेन, जल और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का निर्माण किया। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ और प्रोटीन से जीवन का आधार तैयार हुआ। आर जो आर्कियोटेरिस
आर्कियोप्टेसिस है, इसमें जो सरीसृपों तथा पक्षियों का लक्षण पाए गए हैं। तो आर्कियोप्टेसिस में सरीसृप और पक्षियों के लक्षण पाए गए हैं। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का मत प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने डार्विन ने क्या किया था, प्राकृतिक चयन का मत। तो ये दो पॉइंट है जो याद रखिएगा। फिनोटाइप द्वारा जीवन की बाह्य आकृति का ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो है, लैमार्क ने उपर्जित लक्षणों की वंशागति का वाद प्रस्तुत किया। लैमार्क ने उपर्जित लक्षणों की वंशागति का वाद इन्होंने दिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। सटन तथा बावेरी, इन्होंने गुणसूत्रवाद का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, दूसरा जो है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद हम दर्पण के बारे में देख लेते हैं। पहले गोलीय दर्पण, इसके बारे में हम देख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ठीक है, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण अर्थात अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, और बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ लेप, मतलब कि लेप किया हुआ होता है रजत का, वो क्या होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण का वह भाग, मतलब गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा, वह अवतल दर्पण, या आप कह सकते हैं जिस दर्पण का अंदर की तरफ धंसा हुआ हो और बाहर की तरफ कल्लाई किया हुआ हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण। इनका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे का उपयोग करते हैं, मतलब जो नाई के दुकान में शीशे लगे होते हैं, वो जो होते हैं अवतल दर्पण होते हैं। टार्च में होता है, सोलर कुकर में होता है, गाड़ी के हेडलाइटों में होता है, डॉक्टर के दांतों के जो चेकअप होती है उनके जो उपकरण होते हैं उनमें होता है। आप देख सकते हैं इसका फिगर है, बाहर की तरफ कलई किया हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है जो परावर्तक पृष्ठ है। तो ये था अवतल दर्पण। इसके बाद हम उत्तल दर्पण देख लेते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा, ठीक है, उभरा होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, पॉलिश किया हुआ होगा, तो वो होगा उत्तल दर्पण। इसका उपयोग घर के जो दरवाजे में उपयोग होता है, उसका उपयोग होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में अवतल दर्पण का, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कह रहे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इनकी अधिकतम चाल से चलता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10^8 मीटर प्रति मीटर 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, अधिकतम चाल से चलता है। इसके बाद वायु फिर कांच या पानी में इसके अपेक्षा क्या होगा, कम होता जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ चलता है, तो आप बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद वायु में, फिर कांच या पानी में, कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी जब कोई प्रकाश किरण होगा वो वायु से जब जल में प्रवेश करेगा तो कहाँ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, क्योंकि वायु जो होती है विरल माध्यम है एवं जल जो है एक संघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो किरोसिन तारपीन की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलता है। तो किरोसिन तारपीन की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का जो अपवर्तनांक होता है इनकी अपेक्षा क्या होता है, निम्नतम होता है, इसलिए
प्रकाश जो होता है जल में सबसे तेज चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कह रहे किस बिंब का वास्तविक अथवा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उस बिंब को उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखने होंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस, तो दर्पण में बताना है और लेंस में बताना है, तो ये दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। अवतल दर्पण और अवतल लेंस। नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, या तो समतल अथवा अवतल दर्पण पे, ठीक है? तो आपको बता रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, लेकिन आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वो किस मतलब किस पे? या तो समतल दर्पण पे या तो अवतल दर्पण पे। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। तो ये याद रखिएगा। किरणों को अभिसारित करने वाले दर्पण अवतल तथा अपसारित करने वाले दर्पण उत्तल कहलाते हैं, ठीक है? अभिसारित, किरणों को अभिसारित करने वाले दर्पण क्या होते हैं? अवतल होते हैं। अपसारित करने वाले जो होते हैं उत्तल। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जाहिर सी बात है। सभी दर्पणों के लिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है समान रहती है। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, वह अल्पतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु, मतलब वह अल्पतम दूरी जिस पर, मतलब न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु का नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकती है, उस नेत्र का निकटतम बिंदु या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए हमें, हमारी आंखों के और वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं? इसका जवाब आपको देना है कि केवल एक ही क्यों नहीं है, तो बताइए कि दो नेत्र क्यों है? क्योंकि हम तो एक नेत्र से भी देखते हैं, लेकिन दो नेत्रों का महत्व बताना है आपको। मानव के एक नेत्र का जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है वो 150 डिग्री होता है, ठीक है? जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है, जो कि दृष्टि का क्षेत्र बढ़ जाता है और हम चीजें जो होती है सुस्पष्ट यानी आप क्लियरिटी कर सकते हैं चीजों को देखने में। इसलिए जो हमारी होती है दो आंख होना सहज होता है, क्योंकि हम अपने वस्तुओं को 180, मतलब आंखों को 180 डिग्री के एंगल तक घुमाकर किसी वस्तु को देख सकते हैं और स्पष्ट देख सकते हैं। दृष्टि दोष और उनका संशोधन देख लेते हैं। तो दृष्टि दोष में पहला आता है निकट दृष्टि दोष। इसमें किस निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो होती है अस्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु जो होता है अस्पष्ट नहीं दिख पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो निकट की वस्तु देख तो पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, और निकट निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो दूर क्या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर क्या होता है, नेत्र के पास आ जाता है। तो इनका निवारण क्या है? तो अवतल लेंस है, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में होता है कि इसमें व्यक्ति को क्या होगा कि दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिख पाती है, ठीक है?
ऐसे दोष दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु जो होता है समान निकट बिंदु से दूर हो जाता है। जैसे समान निकट बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर, इनसे क्या होगा दूर हो जाता है। निवारण वही है उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक होता है ज्यारा दृष्टि दोष, ये क्या होता है कि वायु सॉरी वायु नहीं आयु में एज में वृद्धि होने के साथ नेत्र की समंजन जो क्षमता होती है वो घटती जाती है और अधिकतर व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर क्या होता है हट जाता है, जिसे पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाती है और दूर की भी वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी वो निकट और दूर दोनों दृष्टि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति का जो मतलब निवारण है वो होता है उत्तल एवं अवतल दोनों, जिसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंसों का उसके चश्मे में उपयोग होगा। तो उत्तल एवं अवतल दोनों निचला लेंस उत्तल एवं अवतल दोनों होगा। इसमें निचला लेंस जो होगा उत्तल लेंस जो पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में, और ऊपरी लेंस जो होगा उस चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, एक नीचे नीचे उत्तल लेंस और ऊपर जो होगा वो अवतल लेंस जो दूर की वस्तु को देखने में सहायक होता है। इसके बाद हम टिंडल प्रभाव देख लेते हैं। ये टिंडल प्रभाव क्या है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो इम्पोर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखने लगता है। इन कणों द्वारा विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को ही टिंडल कहते हैं। ठीक है, तो टिंडल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण पुंज है महीन कणों से टकराता है और उस किरण पुंज का मार्ग जो होता है दिखने लगता है। अब मैं बताता हूं, जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, अंधेरे कमरे में किसी मतलब कि आप कह सकते हैं होल से या किसी ऐसे गैप से आते हुए सूर्य का प्रकाश जो उसमें जो कण होते हैं महीन कण होते हैं वो जो दिखते हैं, ठीक है, अब अंधेरे कमरे में जब किसी दरवाजे से या किसी रोशनदान से या किसी अन्य होल से जब सूर्य के प्रकाश उस अंधेरे कमरे में गुजरती तो उस प्रकाश में जो कण उड़ते रहते हैं वो आप स्पष्ट देख पाइएगा। तो वही जो होती है टिंडल प्रभाव होती है। तो इसी कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखने लगता है। ठीक है, इन कणों द्वारा विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, हमारे दृष्टि पटल पर बनता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभि द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेत्र जो होते हैं तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के जगह काला इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, हम जब अंतरिक्ष को नीचे से पृथ्वी से देखते हैं तो क्या होता है कि जब हम नीचे से देखते हैं आकाश को तो वो नीला दिखाई देता है, लेकिन वही अंतरिक्ष यात्री जब आकाश से अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो वो काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णन अधिक ऊंचाई पर नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखता है यानी कि जो धरती की तरफ देखता है तो क्या होता है आकाश जो होता है नीले के जगह काले दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो नहीं होता है, अधिक ऊंचाइयों पर नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है, रेटिना में विद्यमान शंकु कोशिकाएं रंगों के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रेटिना में जो विद्यमान शंकु होती है ये शंकु कोशिकाएं रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। किसी सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता लगभग 4 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा इस बात को। कॉर्निया के पीछे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रिज्म से निकलने पर बैंगनी रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो जब प्रिज्म से प्रकाश निकलती है तो उसमें बैंगनी रंग का जो किरण होता है इनका विचलन सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। मानव आंख अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट जो है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारी, वो कह रहे हैं चालकों एवं विद्युत स्रोतों का संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, जो सी से इंडिकेट करते हैं, जो लगभग 6×10^18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10^-19 कूलम आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6×10^-19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरे के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी धातु के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के सिरे के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसे हम ओम के नियम कहते हैं। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर क्या होती है? रैखिकता क्या होता है? बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे कि अगर प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा क्या होगी? आधी हो जाएगी। प्रतिरोध दोगुना तो विद्युत धारा आधी, आधी उसके आधी। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, यह विद्युत धारा के परिमाण को भी रोकता है, यानी नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे आप देख सकते हैं, ओम को ओम द्वारा इंडिकेट करते हैं, और क्या, तो साइन आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, बैटरी अथवा लेन सॉरी बैटरी अथवा सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हम देख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध इन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे चालक की लंबाई पे, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, उसके पदार्थ के प्रकृति पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा कि विद्युत टोस्टर, ठीक है, और विद्युत स्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं कि मिश्र धातु के प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के अपेक्षा काफी अधिक होती है, ठीक है। तो विद्युत जो टोस्टर होता है, टोस्टर और इस्त्री जो होते हैं, यानी आयरन जो होते हैं, विद्युत आयरन जो प्रेस होती है, इनके तापन अवयव शुद्ध धातु के न बना के मिश्र धातु को बनाया जाता है, क्योंकि इनके मिश्र धातु प्रतिरोधकता जो होती है उनकी अवयव मतलब कि अवयवी धातु जो होते हैं इनकी अपेक्षा काफी अधिक होता है, और उनका उच्च ताप पर क्या होता है? दहन नहीं होता है, उपचयन नहीं होता है। अतः इनका जो प्रयोग होता है विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, करेक्ट, टंगस्टन की प्रतिरोधकता तथा गलनांक काफी अधिक होता है। टंगस्टन का प्रतिरोधकता और गलनांक अधिक होने के कारण ही तो जो विद्युत बल्ब होती है उसमें उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, कह रहे मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और एवं तापमान परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता में विशेष कमी नहीं आती है, ठीक है। मिश्र धातु का अधिक ताप पर ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसका डिस्कशन इसमें जो है यहीं तक अभी रोकते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो थैंक यू, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।